नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। बारह मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप्ड एक्ट 1991 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी या यूं कहीं संवैधानिक वैधता को चैलेंज करते हुए एक पीआईएल को एडमिट किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और उनके साथी जस्टिस ए एस बोपन्ना ने केंद्र सरकार को नोटिस इशू करने का डायरेक्शन दिया है। इन इफेक्ट दिस मींस दैट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड एनएक्टेड इनटू लॉ इन 1991 एट द हाइट ऑफ द राम जन्मभूमि मूवमेंट। सुप्रीम कोर्ट का एक्शन फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस है। उसी के 9th ऑफ नवंबर 2019 का जो फैसला था, जिसके अंतर्गत अयोध्या में जो विवादित स्थल है वो हिंदू पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स को दिया गया और जिसपे अभी मंदिर निर्माण हो रहा है, उसी की लेजिटिमेसी क्वेश्चन होती है और वो जजमेंट उसी एक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर काफी हद तक आधारित है। चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ द 1991 एक्ट विल इन वन वे क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स ओन जजमेंट। इफ दिस इज सो द लीगैलिटी ऑफ द राम टेम्पल विल ऑल्सो बी इंटरोगेटेड नाउ और एट अ लेटर पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम की वजह से एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम दुश्मनी का दशकों का पुराना अध्याय फिर से खुल गया है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से ऐसा लगने लगा था कि इस एपिसोड का क्लोजर का संकेत उन्होंने अपने सपोर्टर्स को दे दिया है। उनके भाषण और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत की बातों से कुछ ऐसा ही लगा। इट अपीयर्ड दैट अ लीगली परमिटेड एंड ऑफिशियली हैंडहेल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल विल मार्क द रेक्टिफिकेशन ऑफ द सो कॉल्ड परसीव्ड रॉन्ग ऑफ द हिंदूज इन हिस्ट्री। हम सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का नवंबर 2019 का फैसला बहुत ही कंटेंशियस था। डिसीजन को हम आप में से कईयों ने उसको अपोज भी किया था। इसके बावजूद उस जजमेंट में एक सिल्वर लाइनिंग थी। जजमेंट ने अन्य ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों पर चल रहे विवादों को रिजॉल्व करने के लिए एक कानूनी सिद्धांत का फ्रेमवर्क खड़ा किया था। इस अयोध्या जजमेंट में सरकार पर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन इंपोज की गई थी टू एंश्योर द स्टेटस क्वो ऑफ श्राइन्स लाइक द वंस इन वाराणसी एंड मथुरा एंड अदर्स ऑन द विश लिस्ट ऑफ द विश्व हिंदू परिषद। इस जजमेंट के हिसाब से अन्य ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को उसी रूप में रखा जाएगा जिस रूप में वो 15 अगस्त 1947 को थे, लेकिन ऐसा मैसेज क्लियरली नहीं रिले हुआ है संघ परिवार के कार्यकर्ताओं को। पीआईएल फाइल करने वाले व्यक्ति अश्विनी कुमार उपाध्याय बीजेपी से जुड़े हुए एक वकील हैं। उन्होंने वही पुरानी बात को दोहराई है दैट द 1991 एक्ट टुक अवे द राइट ऑफ द हिंदूज द जैन्स द बुद्धिस्ट एंड द सिक्स टू रेस्टोर देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप डिस्ट्रॉयड बाय सो कॉल्ड बार्बरिक इन्वेडर्स।
उन्होंने ये भी क्लेम किया द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने आर्बिट्ररी और इरेशनल तरीके से एक कट ऑफ पॉइंट सेट कर दिया, यानी कि 15 अगस्त 1947 वाज डिक्लेयर्ड बाय हिम एंड द अदर्स हु आर सपोर्टिंग दिस पिटीशन एज एन आर्बिट्ररी कट ऑफ डेट। उनका कहना है कि इसकी वजह से हिंदुओं, बौद्ध, जैनियों का और सिखों का जो इतिहास में ह्यूमिलिएशन हुआ है ये आगे परपेचुएट होता रहेगा। हमारे व्यू पॉइंट से लेकिन जब तक ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का वेपनाइजेशन नहीं खत्म होगा, सोशल हार्मनी इफेक्टेड होती रहेगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट पर नेगेटिव असर पड़ता रहेगा। क्या है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991? किन परिस्थितियों में इसको पार्लियामेंट ने पास किया था और इस कानून का हमारे लॉ बुक्स में बने रहने की आवश्यकता क्या है? संक्षेप में, इस कानून को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने अयोध्या के मुद्दे को बाकी ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विवादों से इंसुलेट या फिर कट ऑफ करने के लिए इसको पास किया था। भारतीय राजनीति में ये वो दौर था जब राम जन्मभूमि आंदोलन जोर पे था। वीएचपी विश्व हिंदू परिषद ने मथुरा काशी के मस्जिदों को डिमोलिश करने की भी मांग रखी थी। कई और हिंदू संगठनों ने तो 3000 मस्जिदों या फिर मॉन्यूमेंट्स की एक लिस्ट भी बनाई थी। उनका दावा था कि ये सब के सब पुराने हिंदू मंदिर थे जिनको तोड़कर मुस्लिम इन्वेडिंग रूलर्स ने आके अपने इमारत बनाए थे। दिस एक्ट एम टू एंड ऑल अदर डिस्प्यूट्स बाय फ्रीजिंग द स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज ऑन द 15th ऑफ ऑगस्ट 1947। The fact that the Ayodhya shrine was excluded from this law was an evidence that the Narasimha Rao government had accepted that the agitation for a Ram temple at Ayodhya had acquired a critical mass, and at that point, taking any position firmly against the Ram temple or not opting for a compromise or a negotiated settlement or moving away from it would not be possible. इस एक्ट ने अदालतों को उन धार्मिक स्थलों पर भी किसी केस को एंटरटेन करने से डीबार कर दिया जिनकी जिन पर विवाद जो था वो 1947 अगस्त के पहले का डेटेड था। As long as the law continues in its present form in the Indian statute books, no court can entertain cases or any suit concerning alleged conversion of the character of religious structures or religious places. These suits would have to be rejected on the ground of maintainability. उस वक्त के गृह मंत्री एसबी चवन ने लोकसभा में इस बिल के पर्पस या उनके उद्देश्य को समझाते हुए ये कहा था, we see this bill as a measure to provide and develop our glorious tradition of love, peace and harmony. These traditions are part of our cultural heritage, of which every Indian is justifiably proud. Tolerance of all faiths has characterized our great civilization since time immemorial. Bill ko बीजेपी ने अपोज किया। उमा भारती, जो आज आयरोनिकली आउट ऑफ फेवर हैं, उन्होंने अपने डिबेट के दौरान लोकसभा में ये कहा था दैट बाय मेंटेनिंग द स्टेटस क्वो ऑफ 1947 यू आर फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। वो आगे बोली थी, दीज डिस्प्यूट्स आर वुंड्स एंड मार्क्स ऑफ स्लेवरी ऑन भारत माता। टिल ज्ञानवापी कंटिन्यूज इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन एट बनारस, इट विल
remind us of the atrocities perpetuated by Aurangzeb. उसी डिबेट के दौरान CPIM की मेंबर मालिनी भट्टाचार्य ने बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी थी. उन्होंने कहा था, August 15, 1947 is crucial because on that day we emerged as a modern democratic and sovereign state, thrusting back such barbarity into the past once and for all. From that day, we also distinguished ourselves. The state has no official religion and gives equal rights to all the different religious denominations. So whatever may have been or whatever may have happened in the past, we are all expected that from that day, there should not be any such retrogression into the past. लेकिन उसी अतीत की राजनीतिक मिसयूज करते हुए एक बीजेपी एफिलिएटेड वकील ने सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया. दिस एक्ट एक्चुअली स्टैंड्स इन द वे ऑफ द हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस सीकिंग टू डिमोलिश द ज्ञानवापी मॉस्क ऑफ वाराणसी एंड द शाही ईदगाह मॉस्क ऑफ मथुरा. सीकिंग द रिमूवल ऑफ दीज टू हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर्स एंड रेजिंग डिस्प्यूट्स ओवर मेनी मोर इज एसेंशियल टू कीप द कम्युनल पोलराइजेशन एक्टिव इन सोसाइटी. दिस इज ऑल्सो द वे टू एंश्योर दैट द इलेक्टोरल डिविडेंड्स कीप ऑन कमिंग टू द बीजेपी. November 2019 के अपने वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की किस तरह से सराहना की थी, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी हो गया है. आयरॉनिकली आज जो चीफ जस्टिस है जस्टिस एस ए बोबडे, वो भी उसी 5 जज बेंच के मेंबर थे. Places of Worship Act के constitutional validity पर केंद्र सरकार को notice देकर एक तरह से Justice Bobde ने शायद अपनी ही बात काट दी. Judgment में लिखा गया है, It prohibits the conversion, it माने the Places of Worship Act. In doing so, it speaks to the future. Essentially, इसका मतलब है कि भविष्य की तरफ इसकी नजरें हैं. इट स्पीक्स टू द फ्यूचर बाय मैंडेटिंग दैट द कैरेक्टर ऑफ द प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप शैल नॉट बी ऑल्टर्ड. दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो बात उसमें थी, दैट द लॉ सीक्स टू इंपोज अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन टू मेंटेन द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एवरी प्लेस ऑफ वर्शिप एज ऑन the 15th of August 1947 when India achieved independence from colonial rule. But the most important point that resonated in the judgment of November 2019 is the Supreme Court's recognition of the Places of Worship Act as the one which protects and secures fundamental values of the Constitution. Further ahead, the judgment noted, the Places of Worship Act imposes a non-derogable obligation towards enforcing our constitutional commitment to secularism. The law is a legislative instrument designed to protect the secular features of the Indian polity, which is one of the basic features of the Constitution. The Places of Worship Act thus is a legislative intervention which preserves non-retrogression as an essential feature of our secular values. Yani ki Places of Worship Act hamein har vivadit dharmik sthal ke atit mein jane se rokta hai. Already
चार ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों पर केसेस चल रहे हैं अलग अलग कोर्ट्स में। हम सब मथुरा काशी के बारे में तो जानते ही हैं, परंतु दो और डिस्प्यूट्स अलग कोर्ट्स में डिफरेंट लेवल्स पर अभी चल रहे हैं। वे हैं लखनऊ के टीले वाली मस्जिद और दिल्ली की कुतुब मीनार पर। हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि टीले वाली मस्जिद दरअसल लक्ष्मण टीला थी और कुतुब मीनार 27 हिंदू या जैनी मंदिरों को तोड़कर फिर बनाया गया था। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा न्यू इंडिया की बात करते हैं, लेकिन क्या हम पीछे देखकर आगे चल सकेंगे? आप ही सोचिए। नमस्कार। Thank you.